किसानों की घर वापसी पर रुद्रपुर में हुआ जोरदार स्वागत। लंबे समय के आंदोलन के बाद तीन कृषि कानूनों की वापसी के बाद तराई किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र सिंह विर्क ने नेतृत्व में किसानों का एक बड़ा जत्था देर रात रुद्रपुर वापस लौटा। वहीं नगर के महाराणा रंजीत सिंह पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम में गुरुद्वार श्री गुरु सिंह सभा गोल मार्केट की प्रबंधक कमेटी ने किसानों के इस जत्थे का भूषण पर शाह कर जोरदार स्वागत किया। देखिए आज 381 या 382 दिन हो गए हैं। आज सुबह 7 बजे चले थे, आज 12 तारीख है, फतेह मार्च से नाम दिया है। हमारे साथ बाबा अनूप सिंह जी, बाबा मोहन सिंह जी और तमाम और जो डेरा कार सेवा के जो संप्रदाय के जिन्होंने किसानों के साथ, जहां किसानों ने संघर्ष किया वहां हमारे धर्म गुरुओं ने भी युद्ध किया, ये इस आंदोलन में हिस्सा लिया। सारे लोग थे, सामाजिक और धार्मिक और किसान संगठनों के हमारे तमाम संयुक्त मोर्चे के नेता थे। आज जो सुबह, आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में एक गौरवमय दिन है कि जब देश के किसान ने 379 दिन देश की राजधानी में लड़ाई लड़ने के बाद 700 से ज़्यादा शहादतें देने के बाद हमारे इलाके के तमाम नौजवान शहीद हुए, जिसमें नवरीत थे बापू कश्मीर सिंह और 5 साथी, 4 हमारे लखीमपुर में शहीद हुए, तो इतना 718 लोग इस आंदोलन में शहीद हुए। उन शहीदों का जो खून था, खून ने कहीं ना कहीं इस देश के उन करोड़ों लोगों की जो आर्थिक गुलामी थी, जो काले कानून थे, वो लड़ाई खाली पंजाब की नहीं थी। पंजाब के लोगों ने हमेशा जब भी जुल्म हुआ है उन्होंने आगे बढ़कर लीड किया है, भले 17वीं सदी का आक्रमण हो, भले देश की आज़ादी की बात हो, और आज भले देश की इसका किसानी को जो आर्थिक गुलामी में जकड़ने की बात हो, लड़ाई खाली पंजाब की नहीं थी, पूरे देश को आज बचाने का काम पंजाब ने आगे रह के किया है। तो हम आज एक अपने आप को, जहाँ पूरा देश उल्लास मना रहा है, आज को एक पर्व के रूप में मना रहा है, एक दिवाली के रूप में मना रहा है। हम 7 बजे से चले हैं और इस 250 किलोमीटर में कम से कम हर 5 किलोमीटर पर लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे और लोग नारे लगा रहे थे और जयकारे लगा रहे थे किसानी के। तो एक लोगों के अंदर एक उम्मीद जगी है कि कम से कम अगर लोग खड़े हो जाएं तो तानाशाह नहीं बड़ा होता, लोग बड़े होते हैं। इस आंदोलन ने इस देश को एक राह दी है, तो एक आज उल्लास है, लोगों ने आज स्वागत किया है। व्यापार मंडल के लोग, तमाम और धार्मिक सामाजिक गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोगों ने जगह जगह स्वागत किया है, रुद्रपुर में किया है। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, इन्होंने इस 1 साल 13 महीने में जब भी हमें जरूरत पड़ी, व्यापारियों की जरूरत पड़ी हो तो व्यापारियों ने साथ दिया, अगर धार्मिक संस्थाओं की जरूरत पड़ी हो तो धार्मिक संस्थाओं ने साथ दिया। इन सभी का जो है हम आभार व्यक्त करते हुए जो है इनका धन्यवाद करते हैं। जय जवान, जय किसान।